हो सकता है कभी तुम्हें खतरा दिखाई ना दे। मीना, मुझे अपनी पायल देना। अब तुम सब कोशिश करो। आवाज की दिशा पहचानने पर जोर दो। चीटिंग नहीं। सॉरी। घबराना नहीं है, आवाज की दिशा पहचाननी है। आवाज तो बाई ओर से आ रही है। बहुत अच्छे बीनू। ये तो बड़ा कठिन काम लगता है। बच्चों, मुझे खाली बाल्टी नहीं चाहिए, पानी गिराना बंद करो। हम कैसे कर पाएंगे गुरुजी? क्या हुआ बड़े भैया, आपने फिर से ट्रेनिंग के कुछ टेढ़े मेढ़े तरीके ढूंढ निकाले क्या? सिर्फ शरीर की ताकत का नहीं, मन की शक्ति का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। और मैं अपने बच्चों को दोनों सिखाता हूँ। अगर मैं आपके बच्चों को सिखा रहा होता तो अब तक सब कलरी में एक्सपर्ट हो गए होते। क्यों ना इनकी कल की ट्रेनिंग तुम ही कराओ। ठीक है ठीक है, तो अपने स्टूडेंट्स को पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। चलो, गुरुजी ने सिखाया हुआ मुर्गा अभ्यास शुरू करते हैं। पक 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 पक। हमें गुरु बीटा के तरीके की ट्रेनिंग करनी ही होगी, हमने पालन गुरुजी को प्रॉमिस किया है। ये सब क्या हो रहा है? तुम अब भी पालन के टेढ़े मेढ़े तरीकों का प्रयोग कर रहे हो? मेरे राका और धाना ने हमें ही मुर्गा बनाया। आज हम एक खास तरह की ट्रेनिंग करेंगे। नहीं, क्या करना होगा? तुम्हें ये तीन चुनौतियाँ पार करनी है। पहले इस खम्बे के बीच तक चढ़कर ये करतब करके दिखाना होगा। इन लकड़ियों के वार से अपने आप को बचाना होगा। नारियल के पेड़ पर चलकर नाले को पार करना होगा। ये तीनों चुनौतियाँ तो बड़ी मुश्किल है। आओ तुम आओ। इस खम्बे पर पकड़ बनाना बहुत मुश्किल है। ये लकड़ियाँ, ये पेड़ का तना तो घूमने लगा। इन चुनौतियों को पूरा करने में तो हमें महीनों की प्रैक्टिस लगेगी। जब तुम अपने मन की रुकावट को पार कर लोगे तो कोई भी मुश्किल चुनौती आसान हो जाएगी। बस ठंडे दिमाग से सोचना होगा, इन्हें पार करने का आसान रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। तो मुझे अपनी छड़ी को भी गोल घुमाना होगा। अब देखते हैं पालन की ट्रेनिंग कितनी काम आती है। मेरी ट्रेनिंग में अव्वल आना कोई आसान काम नहीं है। देखा, अगर पैर बीच में रखा जाए तो ये पेड़ का तना हिलता नहीं है। तरा! वाह बीनू, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छे बीनू। Ha ha ha!
मैंने कहा था ना, अब क्या कहते हो मेरी ट्रेनिंग के बारे में? मेरे पास टाइम नहीं है ऐसी फिजूल की बहस करने का। सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन। जीतने के लिए तो सब खेलते हैं बेटा, पर जूफी ऑर्गेनाइजर्स को वापस दे दूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम सब अच्छे बच्चों की तरह ये फैसला कैसे बांटी जाएगी। क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक ही ट्रॉफी दो टीम्स ने जीती हो? विजेता हमेशा एक ही होता है। चलो बेटा, नारियल पानी पीकर आते हैं। ट्रॉफी हमारे पास ही होगी, हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। शांत हो जाओ शाम, गुरुजी ने कहा ना हमें ट्रॉफी को अच्छे बच्चों की तरह बांटना चाहिए। अमी, अमी, तो क्या अब हमें ट्रॉफी को काट कर इसके दो हिस्से करना पड़ेंगे? मेरे पास एक सुझाव है। हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे पास कोई सुझाव है? तो फिर बीनू को बोलने दो। हम ट्रॉफी को दोनों गुरुकुल के बीच एक हमें ट्रॉफी पे देर नहीं लगेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि राका और धाना इस ट्रॉफी को चुराने की कोशिश जरूर करेंगे। बच्चों, अब ट्रॉफी के बारे में सोचना बंद करो, उस मजे के बारे में सोचो जो तुम्हें कलरी करने में आया। ट्रॉफी सिर्फ जीत की निशानी है, जीत की खुशी में ज्यादा मजा आता है। अपनी ट्रॉफी पर नजर रखने वाले हैं ना? हाँ। गुरुजी ने कहा ट्रॉफी के बारे में सोचना बंद करो और राका को ट्रॉफी यूं ही ले जाने दे। तो फिर मेरे पास एक प्लान है। और प्लान ये है कि इक्यानवे, बयानवे, रुको मत, करते रहो, इक्यानवे, बयानवे, रुको मत, करते रहो। प्लीज 5 मिनट ब्रेक दीजिए ना प्लीज। हाँ गुरुजी। ले लो, पर बस 3 मिनट। यहाँ हम इतना पसीना बहा रहे हैं और वो वहाँ मजे कर रहे हैं। श्याम, तुम अचानक नीले क्यों पड़ रहे हो? नीला और मैं? देखो तो राका, इसे तो नीलिया हो गया। वो क्या होता है? अब श्याम धीरे धीरे पूरा का पूरा नीला हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। तुम सब मुझसे ऐसे डर क्यों रहे हो? ये क्या हो रहा है ना? गुरुजी, मीना, गुरुजी। चलो, हमें शाम की मदद करनी चाहिए। देखो डरो मत, वो ठीक हो जाएगा। बचाओ मुझे, बचाओ मीना, मीना। मीना, उसे छुओ मत। ये तो सिर्फ जंगली नील फूल का रंग है जो पानी से धुल जाएगा। श्याम, श्याम, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम ठीक हो ना श्याम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों
क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी?